तो फाइनली अभी हम लोग आए थे यहाँ पे एमिवे बंटाई के कॉन्सर्ट के लिए, पर यहाँ पे एक बहुत बिल्ला हार्ड सीन हो गया है। हम लोग के साथ एक सेक्स एंडर भरत शर्मा। नमस्कार पब्लिक, नेक्स्ट वीडियो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग जो होने वाला है थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आपको टाइटल देख के समझ गया होगा कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। सो आज तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाओ, पहले पब्लिक सब्सक्राइब मारो चैनल को, हिट दैट लाइक बटन ब्रो, करो लाइक करो। और मैं आपको बता देता हूँ आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग जाने वाला है नेरल में, नेरल में कहाँ, डीवाई पाटिल कॉलेज में, क्योंकि वहां आ रहा है शाहरुख शेख उर्फ एमिवे बंटाई। एमिवे बंटाई आ रहे हैं उधर पब्लिक, क्या बोलते। सो उसका कॉन्सर्ट है डीवाई पाटिल में, कल भी था, कल हॉरिज़न2K19 था, कॉज हॉरिज़न2K19 था, तो मैं उधर जा नहीं पाया। तो आज जाऊंगा ब्लॉग बनाने, क्योंकि एमिवे बंटाई आ रहा है उधर। यस, तो अभी कुछ टाइम हो रहा है, अभी 9:30 हो रहा है, तो 9:30, और उसका डीवाई पाटिल में जो गेट खुलेगा डीवाई पाटिल कॉलेज का वो 5 बजे खुलेगा, 5 बजे, और बंद होगा 7 बजे। तो हम लोग कुछ भी करके 5 बजे से पहले वहां पहुंचने गया, 1 घंटे का ट्रैवलिंग होगा नेरल तक का, और ट्रैवलिंग आपको टाइम लैप्स बता दूंगा। और हाँ, मेरा बाल ब्रो, ट्रैवलिंग आपको बता दूंगा। और चलते हैं ना, चलने से पहले मेक श्योर दैट यू वॉच वीडियो टिल दी एंड, और बहुत मजा आने वाला है गाइस, बहुत मजा आने वाला है, फीलिंग सो एक्साइटेड। तो फाइनली चलते हैं ना। ओके, सो अभी हम लोग फाइनली भांडुप स्टेशन पहुंच गए। भांडुप स्टेशन में अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, थाने का पहले पकड़ेंगे हम लोग ट्रेन, उसके बाद जाएंगे नेरल या फिर पनवेल के लिए। तो देखते हैं अभी ट्रेन कब आता है। और ये मेरा दोस्त है एलेक्स नाडार, और कुछ नहीं, और पीछे भी पब्लिक है मेरी थोड़ी, तो बाद में बताएगा आप कौन कौन है। तो अभी ट्रेन का वेट करते हैं, सो लेट्स गो। डीवाई पाटिल नेरुल पहुंच गए फाइनली बोल रहा है। लकीली हम लोग 5 बजे से पहले पहुंच गए, तो फिर चलो अभी नेरुल के बाहर निकलते हैं। और मेरे दोस्तों की तरह ऐसा तो घूम रहे ना वहाँ सब। अभी हम लोग को डीवाई पाटिल का रास्ता तो पता नहीं है, तो हम लोग गूगल मैप पे सर्च करेंगे, सो उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो लेट्स गो। तो फाइनली अभी हम लोग स्टेशन के बाहर निकल गए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डीवाई पाटिल की तरफ, जो हम लोग का रास्ता पता नहीं है, तो हम लोग गूगल करेंगे, गूगल मैप पे सर्च करेंगे कहाँ पे जाने हैं। तो इधर से पहले ऑटो करेंगे डीवाई पाटिल के लिए, फिर उधर से देखते हैं और कितना डिस्टेंस है। ओके, सो अभी हम लोग फाइनली डीवाई पाटिल कॉलेज पहुँच गए, और हम लोग यहाँ पहुँचे, उसके बाद हम लोग इतना दुख हुआ ना इधर का लाइन देख के हम लोग को ऐसा लगा थोड़ा और जल्दी आते थे तो क्या होता था। तो मैं आपको इधर का लाइन बता देता हूँ, यही एमिवे बंटाई का फैन फॉलोइंग क्रेज यही है इसका। तो लेट्स गो, देख लाइन देख लो, आप भीड़ देख लो। Put your hands up! Hey!
सुनो मेरी बात, मैं शो चालू करूंगा लेकिन देखो यहाँ पे ना कितने लोग आ रखे, पूरा शॉट बेटा। ओ शिट, ओ
ओह शिट क्या शॉट हुआ। तुम लोगों को पता आज यहाँ पे क्या क्या बजने वाला है? उम्र का लहंगा ले रहे ले दे रहे ले बीवी को कह रहे ले आई लव यू बाकी सारे भटके भी दे रहे मारा मारी कर रहे ले बाप से भी डर रहे ले चौकी में जमा फिर बात भी नहीं कर रहे ले ओ आज भी करता हूँ गलती ना मारे मैंने पलटे कपड़े भी सवारी है सोचते रहे कल की हमारे मैंने सोचे बीमारी थी कल की काला पड़ा चेहरा मेरा मैंने छकल की दे फ्लो मेरा ना लेता ब्रेक मैं तो खा लेता ब्रेक मैं तो खा लेगा बस कर बे इन रैपरों को घर भेजू बस करके आप उन खड़े ले हिप हॉप के दफ्तर पे तो सर दर्द है पीठ पीछे बात तो ना मर्द है मैंने नहीं डाला भाव मेरे भाव बढ़ गए मेरा जोर ही अलग मेरे बाल बढ़ गए और चाल बढ़ गए हम बढ़ गए जो भी नहीं बढ़ा मेहनत पे कम पड़ गए अभी से ज्यादा बोलूंगा तो बम पड़ेंगे सिर्फ बम पड़ेंगे सिर्फ बम पड़ेंगे करके दिखाओ मालूम है ना अभी समझ से आपकी समझ में आएगा बोलेंगे ठीक है आर यू रेडी एक दो तीन चार समझ में आएगा कॉन्सर्ट के लिए पर यहाँ पे एक बहुत बिल्ला हार्ड सीन हो गया है हम लोग के साथ एक सेक्स एंडर भरत शर्मा वो भरत शर्मा इज हियर ब्रो भाई बहुत मेहनत कर रहा है इसलिए प्लीज जाओ फॉलो करो जो भी है सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कर दो ओके सो फाइनली यही था एमिवे बंटाई कॉन्सर्ट का पूरा व्लॉग तो नहीं बोल सकते इसे क्योंकि एमिवे बंटाई ने अपना पूरा कॉन्सर्ट ख़त्म नहीं किया उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि पब्लिक इशूज इतने हो गए थे पब्लिक बैरिकेड्स तोड़ के घुस रहे थे अंदर गेट्स तोड़ के घुस रहे थे और पब्लिक में फाइटिंग बहुत होने लगी तो बुरा इसी बात का लगा कि कॉन्सर्ट पूरा ख़त्म नहीं हुआ बट ऐसा एक टाइम आया वहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ आने का कुछ वर्थ हुआ क्योंकि मैं वहाँ पे सेक्स एंड रन से मिला सेक्स एंड रन उर्फ 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 भरत शर्मा तो उस मोमेंट पे मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पे आके कुछ तो वर्थ हुआ मेरा तो यही था आज का ब्लॉग पूरा आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बिग थम्स अप देना पड़ेगा आपको कमेंट शेयर जितना हो सके उतना शेयर करो और हाँ ये वीडियो सेक्स एंड रन तक पहुँचना चाहिए एमिवे बंटाई तक पहुँचना चाहिए इतना शेयर करो पब्लिक टिल देन स्टे ट्यून आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी आएगा मेरा तो मिलते हैं।